नमस्कार दोस्तों, मैं निशी बोरा चंपावत के हसीन खूबसूरत वादियों से आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेके आएँ, जिसकी भी जो भी मनोकामना हो माँ उसे पूरा करें, यही दुआ करते हैं। हम लोगों के तो व्रत नहीं है क्योंकि हमारे घर में एक और बच्चा हुआ है, तो हम में अभी है नातक, तो नातक में व्रत नहीं लिया जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता है, जैसी बाबू का नामकरण मैं बता रही थी आपको कि 9वें दिन करने का कारण यही था कि 9वें दिन बाबू का नामकरण हुआ, 10वें दिन परिवार में दूसरा बच्चा हो गया। वो अभी हॉस्पिटल में है, अभी हम लोगों उसको देखने के लिए नहीं जा पाए हैं क्योंकि कभी क्या होता है बार का चक्कर हो जाता है और कभी जाने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से अब जब वो घर आएगा ना तो मैं आपको दिखाऊंगी उसको। तो ये हो गया हमारा व्रत ना लेने का एक कारण, ये हो चुका है। लेकिन मंदिर में थोड़ी बहुत जो भी पूजा होती है, दिया रोज का जलता है सिर्फ अपने मंदिर में, बाकी हम किसी भी मंदिर में नहीं जा सकते हैं, ऐसा हमारे यहाँ रिवाज होता है, तो उसको हमें फॉलो करना पड़ता है। तो सबको एक बार फिर से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हमें बच्चे को लेके जाना है हॉस्पिटल क्योंकि सुनीता को 15 दिन में दिखाना था हॉस्पिटल में। तो बाबू को भी नहला दिया है, सुनीता भी नहा चुकी है, तो अब सब तैयार होके जाते हैं। गाड़ी वाला आने वाले हैं तो उनका इंतजार हो रहा है, तो उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो आज जा रहे हैं बाबू को लेके हॉस्पिटल, दिखाना है 15 दिन में, तो जाते हैं हम लोग। आ गई है गाड़ी भी, चले फिर। हाँ सुनी, हाँ बाय बाय, जल्दी आना। आ गए हम हॉस्पिटल में, कहते हैं छोले 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 छोले। चलते हैं घर को, घूम के आ गया बाबू यूं ही, है ना। उठो उठो, हेलो हेलो। अब हो गई है शाम और हम लोग जा रहे हैं अब चाय बगान घूमने के लिए। बच्चों को भी घुमा लाते हैं और बुआ लोग भी घूम के आएंगे, तो जाते हैं। बहुत लेट हो गए हैं लेकिन चलो चलते हैं फिर। है बंद हो गया? नहीं बेटा, बेलों की दुकान जाएंगे। नहीं, चाय बगान जाएंगे। चलो पहुंच गए हैं चाय बगान में और जाते हैं ऊपर को। तो ये देखिए, ये है हमारा खूबसूरत सा चाय बगान, लेकिन अभी सारे पत्ते सूख चुके हैं ना, तो इसलिए ये इस तरह का दिख रहा है। जैसे पहले दिखाते थे ना तो बहुत हरा भरा रहता था, अभी गर्मी की वजह से काफी हाँ सूखा सूखा सा है। तो पानी की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन देखो अगर इंद्र देवता थोड़ा बरस जाते तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता सभी के लिए, तो इसमें भी बाहर आ जाती। तो देखते हैं कैसा होता है समय और मौसम। तो मौसम तो है, बना हुआ है बारिश का, लेकिन हो नहीं रही है। और देखिए शाम हो चुकी है, थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा भी हो गया है, कितना खूबसूरत लग रहा है अभी भी। और वो जो सामने पे है ना वो रेस्टोरेंट है, ये देखिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था शाम के वक्त। और बिल्कुल सेल्फी पॉइंट से देखिए हमारा घर भी है, ये दिख रहा है यहाँ पर को, बहुत पास में है और बिल्कुल साफ दिख रहा है ना अभी ये रहा। तो बना ली है अब थोड़ी बहुत बच्चों की रील और हो गई है शाम, तो चलते हैं। गाइस,
गई है शाम, आऊंगा मैं कचरी ले घर में जाते चले। नहीं मैं जल्दी गाइस ओके ये शाम हम तो घर को जाए चले चलो फिर चलो मछली देख रहे हैं मछली है इसमें मछली है ना ना यही छो इतना ही छो अभी नहीं है बेटा मछली थोड़े दिनों बाद आएंगी इसमें आ जाओ हैं अब जब थोड़ा सा बड़े होंगे ना पानी ज्यादा होगा ना तब भरेंगे चलो आ जाओ बेटा। तो चलते हैं अब घर को बहुत देर हो चुकी है और शाम भी हो गई है लाइट भी चल चुकी है सब जगह आजकल पता नहीं यहाँ पे लाइट क्यों नहीं जल रही है आज वैसे यहाँ पे लाइट जलती थी लेकिन अभी नहीं जल रही है हाँ हाँ लाइट जल चुकी है मैं सब चारों तरफ लाइट है लाइट जला जला रहा है ना बंद करा के ना ना पत्ने जलना जला रहा हमें तो चले फिर घर को तो आधी होगा उसके भी बना दियो हैं तो आती होगा अच्छा अलग टेस्ट है कैसा अच्छा तो आते ही लेगा। हाँ चलो ठीक है फिर आप जैसा आप बोलोगे वैसा ही बनाएंगे ठीक है उसके लिए भी बना दियो जी भी बनाना ओके ओके तो आज आई हुई थी मेरी ननद और भतीजी रिंकी तो मैंने सोचा इन लोगों के लिए मैं बना देती हूँ टेस्टी टेस्टी श्याली क्योंकि भिटोले का महीना चल रहा है तो बना दिया था मैंने इन लोगों के लिए भिटोला तो बोला पूरी नहीं खाएंगे तो रोटी बनाएंगे तो मैंने इसमें बना दी थी आग में रोटी और पूरी नहीं बनाई थी तो इसलिए श्याली बनाई थी श्याली थी और दिन के थे राजमा और आलू गोभी की सब्जी थी और ये कड़क कड़क चूल्हे की टेस्टी टेस्टी रोटियाँ थी तो बहुत ही सुपर टेस्टी डिनर कर लिया था हम लोगों ने। तो आ गई हूँ आज के वीडियो की एंडिंग में आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा दोनों सोने के इंतजार में हैं तो सोते हैं बाय बाय गुड नाइट।